हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मीन्स अनुपात एवं समानुपात पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसके ओवरव्यू पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इस टॉपिक की स्टडी करनी चाहिए, कितने सेक्शंस में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिवाइड किया गया है एंड क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होता है, इस पर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हिंदी में अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं, जहां पर रेशियो का मतलब अनुपात होता है एंड प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात होता है। याद रखें, इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जिसकी बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये तीनों सेक्शन की बेसिक्स आपकी क्लियर है तो आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इस पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, रेशियो, रेशियो बेस्ड प्रॉब्लम होता है। मीन्स अनुपात पर आधारित समस्याएं होती है। एंड सेकेंड, प्रोपोर्शन बेस्ड, प्रॉब्लम्स मीन्स समानुपात पर आधारित समस्याएं होती है। एंड थर्ड, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, एंड के मेथड मीन्स कह सकते हैं हिंदी में वित्तानुपात एवं के नियम। तो इस तरीके से थ्री सेक्शंस में डिवाइड किया गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को। फर्स्ट जो है अनुपात पर आधारित होता है, रेशियो पर बेस्ड होता है। एंड सेकेंड, समानुपात पर आधारित होता है, प्रोपोर्शन पर बेस्ड। एंड थर्ड, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है, मींस वित्तानुपात बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पर। तो इस तरीके से थ्री सेक्शन में आपको स्टडी करनी चाहिए इस टॉपिक को, तभी आप एग्जाम में आने वाले किसी भी क्वेश्चन को इसके बेसिक के अकॉर्डिंग डील कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इन तीनों टॉपिक के बेसिस पर कितने टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है जनरली। सो फ्रेंड्स, याद रखें, रेशियो प्रोपोर्शन बेस अनुपात एवं समानुपात के बेसिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्री टाइप से होते हैं जनरली। आप इसे इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन पैटर्न, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड होता है। बीजगणितीय व्यंजक पर आधारित होता है, मींस इंग्लिश के अल्फाबेट जो होती है एक्स वाई जेड ए बी सी के फॉर्म में होता है, और जनरली इससे 100% हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड क्वेश्चन टाइप जो होता है वो अंकगणितीय होता है। क्वेश्चन टाइप टू अरिथमेटिकल प्रॉब्लम होता है। मीन्स अंकगणितीय समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, इसे आप वर्बल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, शब्दों पर आधारित होता है, वर्ड के बेस पर होता है। एंड थर्ड जो प्रॉब्लम्स होता है वो डेटा पर बेस्ड होता है। क्वेश्चन टाइप थ्री डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, मीन्स आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। ये जो होता है आंकड़ों पर आधारित होता है, डेटा पर आधारित होता है। तो इस तरीके से थ्री टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। फर्स्ट जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड होते हैं, इसके अंतर्गत मोस्टली जो प्रोपोर्शन का लॉ होता है उसके बेसिस पर क्वेश्चन होते हैं। एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जो टाइप होता है उनके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर मोस्टली जो क्वेश्चन होता है उसे आप इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मीन प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मध्यानुपाती ज्ञात करना होता है। एंड सेकेंड होता है थर्ड प्रोपोर्शन,
तृतीय अनुपाती ज्ञात करना, एंड थर्ड क्वेश्चन टाइप होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन पर बेस्ड होता है, चतुर्थ अनुपाती। तो पहला क्वेश्चन टाइप इसे बनता है जहां पर आपको फाइंड करना होता है मेन प्रोपोर्शन की वैल्यू, सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू, एंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू। हिंदी में मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती एंड चतुर्थ अनुपाती। तो इस तरीका से थ्री बेसिक क्वेश्चन बनता है आपका प्रोपोर्शन के बेस में। एंड फोर्थ जो क्वेश्चन टाइप होता है मोस्टली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ पर बेस्ड होता है, समानुपात का मीन्स प्रोपोर्शन का जो लॉ होता है उसके बेसिस पर होता है। फोर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इस लॉ पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। हिंदी में आप इसे योगांतर अनुपात बोलते हैं, योगांतर अनुपात नियम, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है 100%। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत मोस्टली जो प्रोपोर्शन का जो टाइप होता है, क्वेश्चन का टाइप मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, एंड फोर्थ जो क्वेश्चन टाइप होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ पर बेस्ड होता है, जो कि प्रोपोर्शन का लॉ होता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एंड सेकंड जो क्वेश्चन टाइप यहाँ पर है अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, इसमें वर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वर्बल क्वेश्चन होते हैं, जिसको अंकगणितीय समस्याएं बोलते हैं। इसके अंतर्गत मोस्टली फर्स्ट जो होता है इसमें इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर, आय बचत एवं खर्चा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, 100% क्वेश्चन आता है। सेकेंड टाइप में बैग एंड क्वाइन, इसके बेसिस से क्वेश्चन होता है। बैग मतलब यहां पर थैला एवं सिक्के, इसके बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन टाइप होता है वो मिक्सर बेस्ड होता है, मिक्सर बेस्ड प्रॉब्लम मींस मिश्रण पर आधारित समस्याएं होती है। एंड फोर होता है ज्योमेट्रिकल फिगर बेस्ड, ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय आकृति पर बेस्ड होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम होता है मोस्टली फोर टाइप का क्वेश्चन होता है। फर्स्ट जो होता है इसमें इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर के बेस पे होते हैं। सेकंड जो होता है बैग एंड क्वाइन के बेसिस पे होते हैं, थैले में जो क्वाइंस होती है उसके नंबर्स आपको काउंट करना होता है। एंड थर्ड होता है मिक्सर बेस्ड मींस मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन होता है। फोर ज्योमेट्रिकल फिगर मींस ज्यामिति आकृति मींस ट्राइंगल जैसे जो आकृति होती है इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत सारे टाइप होती है जिस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टाइप है, थर्ड क्वेश्चन टाइप में जनरली रेशियो प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बेसिक क्लियर होने के बाद डेटा बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। डेटा बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है वो फोर टाइप का होता है, फर्स्ट पाई चार्ट, सेकेंड लाइन ग्राफ, थर्ड बार ग्राफ एंड फोर टेबुलेशन। मीन्स यहाँ पर जो वृत्त पर आधारित जो चार्ट होता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है। लाइन ग्राफ रेखा जो ग्राफ होता है, एंड बार ग्राफ एंड टेबुलेशन। तो चार प्रकार से जनरली ग्राफ का क्वेश्चन होता है जिसमें से कोई एक ग्राफ का क्वेश्चन, कोई एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। मोस्टली आप मैथ्स के पेपर पे जब फोकस करेंगे जो एग्जाम में आता है तो आपको तीन प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिलता है, सेकेंड अरिथमेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं इस पर क्वेश्चन होते हैं, मीन्स अंकगणितीय समस्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। एंड थर्ड जो होता है पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ या टेबुलेशन, मीन्स डेटा पर आधारित क्वेश्चन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपकी बेसिक जब क्लियर होती है रेशियो प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को आसानी से एग्जाम में आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेस पे और मैथ्स की कौन कौन से टॉपिक डिपेंड करता है, जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। याद रखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक जब आपका क्लियर हो जाता है, कमांड हो जाता है, तो इसके बेस पे हम मैथ्स की चार और टॉपिक को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे इस प्रकार से देख सकते हैं।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बेसिस पे, इसकी बेसिक क्लियर होने पे हम इन फोर टॉपिक का स्टडी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टनरशिप, सेकेंड मिक्सर एनालिगेशन, एंड थर्ड एजेस प्रॉब्लम, एंड फोर एवरेज प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक क्लियर होने पे आपको एडवांटेज ये होता है कि आप इसके बेसिस पे इन चार टॉपिक को भी बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं किस प्रकार से रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक की स्टडी करनी चाहिए, एंड क्वेश्चन का पैटर्न कितने प्रकार से क्रिएट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन पूरे टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप। सो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।